जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कुल 85 अस्पतालों के प्रतिनिधियों को थर्मल स्कैनर और पीपीई किट प्रदान किया। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने आनंद लोक हॉस्पिटल, अब्बासी हॉस्पिटल, डॉक्टर चतुर्वेदी कैंसर हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल, हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, रचित हॉस्पिटल, सर्वांग हॉस्पिटल, शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, होप पेनेसिया सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के प्रतिनिधियों को अपने हाथों से 25-25 पीपीई किट तथा दो दो थर्मल स्कैनर प्रदान किया। जिलाधिकारी ने बताया कि हॉस्पिटलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ लोगों को समय से सही इलाज मिल सके, इसके लिए 85 हॉस्पिटलों में कुल 2000 पीपीई किट तथा 170 थर्मल स्कैनर जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी एवं अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने कहा, तिवारी आपका लगातार कोई बीच में आ रहा पूरे साल, आप जानते हैं उनका परिवार तो कहीं गए नहीं है, उनका तो फिर अननेसेसरी उनका ट्रीटमेंट भेजने के लिए वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आग बंद करके चेक करेंगे, किसी के पास कैपेसिटी नहीं है। इंडिया में 1 लाख पर डे की कैपेसिटी और अभी तो 300-400 पर डे भेजते हैं, फिर मुश्किल से 50-60 दे पाते हैं। तो प्राइवेट में इतने सारे दिल्ली भेजते हैं, वहाँ भी पहले पहुँच जाते हैं एंड उसी का तो आप इंतजार करते रहेंगे तो फिर फेटल हो जाएगा। इसलिए तो ये ट्रीटमेंट भेज जा रही है हमने आप लोग। अब आपको याद होगा ये सीपीजी में एक पेस मेकर के लिए गई यहाँ से गई, तो उनका पेस मेकर का ऑपरेशन भी हो गया है, तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी हो गया, सही भी हो गया। अब तुरंत अटेंड नहीं करेंगे तो जान बच नहीं सकता है एंड हाई रिस्क है, तो फिर देन सीएमओ साहब से संपर्क करिए, मुझे हो सकती है। बट कीप ऑन डूइंग, इस पर ऐसे कुछ वो नहीं है, बट जिस सर्विस के लिए इस समय में जरूरत है उस सर्विस को देना चाहिए था। जल्दी जल्दी हो जाएगा सभी आज। इसके बाद चतुर्वेदी कैंसर हॉस्पिटल से फातिमा हॉस्पिटल से फातिमा से आ जाइए, हनुमान पोद्दार से आ जाइए, लाइफ केयर हॉस्पिटल से आ जाइए। आप पल्स ऑक्सीमीटर भी यूज कर लीजिए तो सस्ता में आ जाता है, काफी वो परीक्षण में काफी अच्छी से आ जाइए। इधर आप कहाँ से? लाइफ केयर से। सर्वांग हॉस्पिटल, शाही ग्लोबल और जो पनेशिया, एक एक करके डिस्टेंस बना के देना। यहाँ जो खासतौर पे जो आयुष्मान भारत के अंदर कितने हॉस्पिटल है, गोरखपुर में 110 हॉस्पिटल हम लोग खोल दिए खासतौर पे इमरजेंसी सर्विस के लिए और इलेक्टिव ऑपरेशन के लिए। उनका शासन स्तर पे हम लोग 2000 पीपीई किट दिए थे और इंफ्रारेड थर्मामीटर 500 दिए थे। उसके अलावा बाकी सुविधा भी उन लोग N95 मास्क इत्यादि सभी उपलब्ध कराएँ। इसका मकसद यही है ताकि जो इस समय में 2-3 महीने किसी का सर्जरी किसी के वजह टहल गया है लॉकडाउन पीरियड के वजह, वो अपने डेट फिक्स करके अभी सर्जरी शुरू कर सकते हैं और तो उसका डॉक्टर लोग भी तैयार है ऑपरेशन करने के लिए। और अनावश्यक भीड़ मत लगाइए, किसको ऑपरेशन करना है सर्जरी करना है पहले डॉक्टर से बात करें, एक ही अटेंडर के साथ आ जाए, ऑपरेशन करके सीधे आप घर चले जाएँ, ये आपसे अनुरोध करता हूँ। बाकी डॉक्टर और सभी सेवाएँ शुरू हो गई, यहाँ OPD के अलावा बाकी मेडिकल सेवाएँ शुरू हो गई गोरखपुर में।